स्वागत है आपका विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। एक बार पुनः मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। आज की ऑनलाइन क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। या आपके स्नातक के प्रथम सेमेस्टर कोर्स कोड की बात करें तो कोर्स कोड है आपका UGPA 101। पेपर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पार्ट वन। आज इसके अंतर्गत ये दूसरी इकाई है। इसके पहले मैंने पहली इकाई पर भी बात की है, वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। वो जो पहली यूनिट पे हमने बात की थी उसमें लोक प्रशासन अर्थ प्रकृति विषय क्षेत्र एवं महत्व पर हमने चर्चा की थी, आप उसे देख सकते हैं। और आज हम इसके अंतर्गत यूनिट टू डिस्कस करेंगे। तो लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। किसी भी विषय की उचित समझ के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध कैसा है। न केवल सामाजिक विज्ञान बल्कि जो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत विषय हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये विषय भी पारस्परिक रूप से अंतर्निर्भर हैं और एक विषय को समझने के लिए दूसरे विषय का भी अध्ययन कहीं ना कहीं अपेक्षित है। और जिस प्रकार एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहता है, आयात और निर्यात के द्वारा अपना अर्थतंत्र संचालित करता है, व्यापार संचालित करता है, क्योंकि वो स्वयं संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता है, अतः उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उसी प्रकार एक विषय भी दूसरे विषय पर कहीं ना कहीं निर्भर होता है और पारस्परिक जो निर्भरता है इसी के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम चूंकि समाज विज्ञान की बात हो रही है तो सबसे पहले समझना आवश्यक है कि समाज विज्ञान किसे कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। मनुष्य का अपना सामाजिक जीवन होता है और सामाजिक जीवन के विविध पक्ष होते हैं। इन्हीं विविध पक्षों का अध्ययन समाज विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर सेलिगमैन की एक परिभाषा है जिसको हमने शामिल किया है। समाज विज्ञान वह मानसिक या सांस्कृतिक विज्ञान है जो मनुष्य की एक समूह के सदस्य होने के नाते गतिविधियों का अध्ययन करता है और जिस सीमा तक लोक प्रशासन जनता के साथ व्यवहार करता है, लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। जैसा कि हम जानते भी हैं, हम सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान का एक अग्रणी विषय है, इसे हम समाज विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसी सामाजिक व्यवस्था में लोक प्रशासन की भूमिका को समझने के लिए लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध को जानना आवश्यक है। अब सभी सामाजिक विज्ञानों का आपस में एक दूसरे से संबंध होता है और वे सभी एक दूसरे पर अंतर निर्भर हैं। इस अंतर निर्भरता के कारण लोक प्रशासन की प्रकृति अंतर विषयी बन गई है। एक अनुशासन के रूप में, अनुशासन का अर्थ यहाँ पर एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट है, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन मानव समाज के कुछ पहलुओं से संबंधित है। विभिन्न सार्वजनिक संगठनों से विभिन्न तरीकों से जनता की सेवा करने की अपेक्षा की जाती है। अब लोक प्रशासन अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों जैसे कि समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कई सामाजिक विज्ञान में कई विषय आते हैं। आज हम सभी विषयों की चर्चा नहीं करेंगे, कुछ प्रमुख विषयों की ही बात करेंगे। तो सभी का उद्देश्य समाज में मनुष्य का अध्ययन करना है। सभी एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोक प्रशासन इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, कानून, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, गणित, प्रबंधन आदि को एकीकृत कर जोड़ता है। यह सामाजिक विज्ञान का सामाजिक विज्ञान है। इसको सामाजिक विज्ञान का भी सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का संबंध। लोक प्रशासन चूंकि राजनीति विज्ञान का ही एक भाग है, हमने अपने पिछली क्लास में भी इस पर चर्चा की थी कैसे राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन अलग हुआ है, तो इसका संबंध पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का एक अनूठा संबंध है। अक्सर लोग कहते हैं कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के बीच जो संबंध है वो एक माँ बेटी के संबंध जैसा ही संबंध है, इसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान और व्यक्ति, राज्य के संबंधों पर केंद्रित है। राजनीति विज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो राज्य और व्यक्ति के संबंधों पर आधारित है। यह उन प्रश्नों को हल करता है जो राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति से संबंधित है। साथ ही यह उन संस्थाओं पर भी विचार करता है जिनके माध्यम से समाज के सदस्य अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। हालांकि जो राज्य है वो लोक प्रशासन और राजनीति दोनों का केंद्र बिंदु है,
क्योंकि राज्य का जो आंतरिक हिस्सा है, जैसे नेचर ऑफ स्टेट, किस तरीके की राज्य की प्रकृति है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब की बात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। और लोक प्रशासन इसके बाहरी स्वरूप से संबंधित है। जैसे कि जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो राज्य के आवश्यक चार तत्व, जो फोर एलिमेंट्स बताए गए हैं, जिसमें कि सॉवरेंटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट, तो उसका जो फोर्थ एलिमेंट है गवर्नमेंट, लोक प्रशासन इस फोर्थ एलिमेंट से गहराई से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, लंबे समय तक लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का ही भाग माना जाता रहे हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वर्ष 1887 में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करने का आह्वान किया। उन्होंने माना कि प्रशासन का क्षेत्र कारोबार का क्षेत्र है, और इसको जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी पढ़ते हैं, वुड्रो विल्सन को पढ़ते हैं, वहाँ पर इसकी विस्तार से चर्चा की गई है किस तरीके से ये अलग है राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के अलगाव के एक अन्य समर्थक, सबसे पहले वुड्रो विल्सन ने बात की, और वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है इसीलिए। उसके बाद एक अन्य समर्थक फ्रैंक गुडनाउ, इन्होंने भी वुड्रो विल्सन के कथन को ही आगे बढ़ाया और कहा कि प्रशासन का अधिकांश भाग राजनीति से संबंधित नहीं है, इसे राजनीतिक दलों के नियंत्रण से अलग किए जाने की आवश्यकता है। पारंपरिक रूप से कहा जाए तो राजनीति विज्ञान नीति निर्माण से संबंध रखती है, और नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासकों पर छोड़ दिया जाता है। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि नीतियों के निर्माण में भी प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एकदम से लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से एकदम अलग है, उसको कभी भी पूरी अलग अलग भूमिका निर्धारित करना कठिन हो जाता है। पिछली भी क्लास में हमने चर्चा की थी कि जो कुछ शुरुआती थिंकर्स हैं, उन्होंने क्रियान्वयन को लोक प्रशासन से जोड़ा है। उनका यह कहना है कि नीति निर्माण में लोक प्रशासन की भूमिका नहीं है, राजनीति नीति निर्माण करता है। राजनीतिक जो नेता होते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, वो नीति निर्माण का कार्य करते हैं, और उनका क्रियान्वयन प्रशासकों पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि नीति निर्माण में भी प्रशासन का योगदान रहता है। पिछला लेक्चर यदि आपने देखा होगा या आप देखेंगे तो इसको बेहतर रूप से समझ पाएंगे। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था उसकी प्रशासकीय व्यवस्था से जुड़ी होती है। सही मायने में देश की राजनीतिक व्यवस्था ही प्रशासकीय व्यवस्था का सृजन करती है। कभी भी लोक प्रशासन स्वतंत्र अस्तित्व में कार्य नहीं कर सकता, ये तो सत्य है, क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिटिकल सेटिंग में ही कार्य करता है। हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन्हीं के निर्देशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो काम करते हैं। तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, एक दूसरे से जोड़कर ही हमें इसे पढ़ना होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जब हम राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम देखते हैं, आपने भी राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम देखा होगा, तो उसमें आप पाएंगे कि वो उसमें आदर्शवाद भरा रहता है, आइडियलिज्म की बात करता है पॉलिटिकल साइंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी आइडियलिज्म की बात नहीं की जाती है। राजनीति विज्ञान में ये कहा जाता है कि क्या होना चाहिए, वॉट शुड बी, वॉट ऑट टू बी, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसे कैसे करना है, कैसे उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन सब पर विचार करता है। और जैसे आपने कुछ टर्म सुने होंगे, MIS है, PPP है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टेक्निक्स हैं, कभी आपने टेक्निक्स राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में नहीं देखा होगा। जो तकनीकें हैं प्रशासन की, कैसे एक ऑफिस को चलाना है, रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउ टू यूज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ टू यूज़ फिजिकल रिसोर्सेज, और तकनीक की बात करता है, IT की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, तो ये सारी चीज़ें हमें राजनीति विज्ञान में नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो लोक प्रशासन कैसे काम करना है ये सिखाता है। वास्तव में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दो सहयोगी सामाजिक विज्ञान हैं। पहले का संबंध चुनाव, कानून आदि जैसी राजनीतिक प्रक्रियाओं से है, जबकि लोक प्रशासन का संबंध नीति के निष्पादन से संबंधित प्रशासनिक क्रियाओं से है। हालांकि यह कहने के लिए कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं, जैसे मैंने भी पहले भी डिस्कस किया है कि कोई ऐसी स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है कि यहाँ पर राजनीति विज्ञान समाप्त होता है और यहाँ से लोक प्रशासन का आरंभ होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिना राजनीति विज्ञान को शामिल किए लोक प्रशासन का अध्ययन करना असंभव है, क्योंकि लोक प्रशासन पॉलिटिकल सेटिंग में ही कार्य करता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी, लोक प्रशासन का समाज शास्त्र से
संबंध, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी जानना, क्योंकि बिना समाजशास्त्र को समझे, बिना समाज को शामिल किए हम लोग प्रशासन के अस्तित्व को नकार दे सकते हैं, लोग प्रशासन के अस्तित्व की बात नहीं कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रशासन समाज का अंग है और उसी समाज के संदर्भ में कार्य करता है। प्रशासन का अस्तित्व एक सामाजिक परिवेश में है और प्रशासन का ढांचा समाज से ही निश्चित होता है, साथ ही प्रशासकीय नेतृत्व से समाज भी प्रभावित होता है। समाजशास्त्र विषय की शुरुआत वैसे तो 1838 से हुई है, लेकिन जो समाज नामक संस्था है, जब से मानव विकास यानी मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तो शुरुआत से ही समाज नाम की संस्था अस्तित्व में है। विषय भले ही बहुत देर से आया है, तो समाज जहाँ होगा प्रशासन वहीं होगा। प्रशासन कभी भी प्रशासन, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, प्रशासन कभी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। लोक प्रशासन की जब बात करेंगे तो जनहित की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, समूह की बात करेंगे। ना तो लोक प्रशासन अकेले कोई एक व्यक्ति कर सकता है, ना एक व्यक्ति के लिए हो सकता है। तो लोक प्रशासन जब बात होती है तो समूह की बात होती है, समाज की बात होती है, उसका अस्तित्व सामाजिक परिवेश में ही संभव है। इसलिए समाजशास्त्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र का संबंध समूह के मानवीय व्यवहार से है, विभिन्न प्रकार के समूहों से है, उन तरीकों से है जिनसे कि मनुष्य के कार्यों और मूल प्रवृत्तियों को जो प्रभावित करते हैं, जो तरीके। प्रशासन एक सहकारी प्रयास है जिसमें बहुत सारे लोग किन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। अब जो लक्ष्य होते हैं वो कॉमन गोल होते हैं, यानी कि कोई व्यक्तिगत लक्ष्य इसमें नहीं होता, एक ही लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है लोक प्रशासन के अंतर्गत। स्वयं प्रशासक वर्ग का एक अलग समूह होता है जिसे हम ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं। ब्यूरोक्रेसी भी जो प्रशासक वर्ग होता है उनको मिलाकर के नौकरशाही बनती है, ब्यूरोक्रेसी उसे ही तो हम कहते हैं। तो वहाँ भी एक समूह की बात होती है, इस समूह की अपनी अलग पहचान रहती है और यह समूह, इसका सामाजिक वातावरण एक दूसरे को, समूह और इसका सामाजिक वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करता है। समाजशास्त्र समूहों, उनके व्यवहार और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले उनके तौर तरीकों की जानकारी लोक प्रशासन को उपलब्ध कराता है। समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों का मूल विज्ञान है। समाजशास्त्र को सुपर साइंस, सुपर सोशल साइंस भी कहा जाता है, यानी उत्कृष्ट सामाजिक विज्ञान, जिसे व्यक्तियों के समूह के रूप में देखा जाता है या सामान्य रूप से सामाजिक विकास से संबंधित है। सामाजिक जीवन के सभी चरणों और जटिलताओं का वर्णन करता है। प्रशासनिक व्यवस्था का एक सामाजिक व्यवस्था के अलावा, यानी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। संगठनों में इस सामाजिक व्यवस्था को समझे बिना हम मामलों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन नहीं कर सकते। कोई भी लोक प्रशासक, कोई भी ब्यूरोक्रेट तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक समस्याओं को न समझे। और जब आप नौकरशाही पढ़ते हैं, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं, तो आप वहाँ मैक्स वेबर को पढ़ते हैं। और मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री थे, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, जो जिनका एक बहुत प्रभावशाली योगदान है नौकरशाही पर, और लोक प्रशासन के अंतर्गत इन्हें हम पढ़ते हैं। तो एक समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका योगदान है। अगला है हमारा लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स। अब अर्थ का तो इतना महत्व है कि बिना अर्थ के कोई भी गतिविधियाँ, कोई भी प्रशासनिक गतिविधि अर्थ के बिना संचालित हो ही नहीं सकती। इवन मनुष्य के जीवन की बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो बिना अर्थ के असंभव है। विंसेंट ओस्ट्रोम का तर्क है कि लोक प्रशासन के लिए आगे का रास्ता राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मार्ग है। एक स्टेटमेंट हमने लिया है विंसेंट ओस्ट्रोम का। राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, इसे संक्षेप में हम समझ लेते हैं, वैसे तो एक अलग टॉपिक है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था राजनीति शास्त्र का ही एक उपक्षेत्र है। इसके अंतर्गत प्रमुख तौर से दो बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है, और दूसरा इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक ताकतें अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। लोक प्रशासन का अध्ययन अर्थशास्त्र के अध्ययन से काफी मिलता जुलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोक प्रशासन को प्रतिदिन भारी आर्थिक समस्याओं से निपटना पड़ता है। पिछली क्लास में जब हमने लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात की थी, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने आपको बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है, कहा जाता है कि मनुष्य के जन्म से पहले यानी कि गर्भ से लेकर के कब्र तक लोक प्रशासन साथ रहता है। तो जो गतिविधियाँ हैं मनुष्य के जीवन की, लोक प्रशासन के दायरे में है, प्रशासन से बाहर नहीं है। इवन जन्म से
पहले ही शुरुआत हो जाती है लोक प्रशासन की, मृत्यु के बाद तक अंतिम संस्कार तक प्रशासन साथ रहता है। तो अब इतनी गतिविधियां, मानव जीवन का संपूर्ण दायरा इसमें लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है, तो बिना अर्थ के कैसे संभव, क्यों कोई प्रशासनिक गतिविधि, कोई भी प्रशासनिक गतिविधि बिना अर्थ के संचालित नहीं की जा सकती है। अर्थ का बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण अर्थ की भूमिका है। 18वीं सदी तथा 19वीं सदी में काफ़ी समय तक प्रशासन के मुख्य उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व वसूलना था, यानी रेवेन्यू कलेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये दो प्रमुख कार्य होते थे 19वीं सदी तक लोक प्रशासन के उद्देश्य होते थे। औद्योगिक क्रांति से राज्य की संकल्पना में परिवर्तन हुआ, काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, ये सारी इन चीज़ों से संबंधित बहुत से एक्ट पास हुए, औद्योगिक अधिनियम बने और उन अधिनियमों को लागू कराना प्रशासन का ही कार्य है। तो प्रशासन पर बहुत दबाव बढ़ा, बहुत ही भार पड़ा। सरकारी क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका तथा अर्थव्यवस्था के नियमन में सरकार के सीधे हस्तक्षेप से लोक प्रशासन पर काफ़ी भार पड़ा है। तो अर्थशास्त्र का यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण रोल है। अब अगर हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंधों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम आचार्य कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की बात न करें तो ये चर्चा यहाँ पर अधूरी रहेगी। प्राचीन गौरव ग्रंथ अर्थशास्त्र न केवल प्रशासन की कला पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बल्कि अर्थशास्त्र का भी संदर्भ ग्रंथ है। यदि आपने आचार्य कौटिल्य का नाम सुना होगा, नाम तो ऐसे ही सुना ही होगा, और अर्थशास्त्र की थोड़ी भी जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र शासन कला पर लिखा गया है, एक ग्रंथ है प्राचीन। और इसके अंतर्गत चार विधाएं हमें मिलती हैं, पहली है आन्विच्छिकी, दूसरी है त्रयी, तीसरी है वार्ता और चौथी है दंड नीति। आन्विच्छिकी का यहाँ पर अर्थ है दर्शन से, और दूसरा है त्रयी, वेदों का ज्ञान, इसमें तीन वेदों को शामिल किया गया, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, और तीसरा वार्ता, वार्ता के अंतर्गत जो कृषि है, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, अर्थ की अर्थव्यवस्था की बात की गई है, साथ ही पशुपालन, इन सब गतिविधियों की बात की गई है, व्यापार आदि की, और तीसरा वार्ता, और चौथा हो गया दंड नीति। दंड नीति वो सरकार का विज्ञान, यानी कि जो शासन कला है, लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन पर एक सैद्धांतिक ग्रंथ, प्रमुख रूप से लोक प्रशासन पर एक सैद्धांतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र है, लेकिन इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र को भी बताया गया है और अर्थ को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो वित्त प्रशासन का केंद्र बिंदु है। प्रशासन, जैसे मैंने बताया, कोई भी प्रशासनिक गतिविधि वित्त के बिना असंभव है, तो केंद्र बिंदु प्रशासन का क्या है, वित्त। वित्त के बिना शायद ही कोई प्रशासनिक गतिविधि होती है। कराधान, कानूनों का प्रशासन, सार्वजनिक धन, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन, ये सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन के केंद्र में है। यहाँ पर मुझे एक कौटिल्य का श्लोक भी याद आ रहा है, एक बहुत ही सुंदर श्लोक कौटिल्य ने लिखा है, वित्त की जो भूमिका है, उसका जो महत्व है, उसको रेखांकित करते हैं कि किस प्रकार वित्त का इतना महत्व है, अर्थ का इतना महत्व है। श्लोक कुछ इस प्रकार है, अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य, अर्थ मूलो हि धर्म कामावीति। यानी मनुष्य जीवन के जो तीन लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ और काम, उसके अंतर्गत अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थ उसका मूल है। जो शेष दो लक्ष्य हैं, धर्म और काम, यानी धार्मिक जो गतिविधियाँ हैं, अगर हमारे पास अर्थ नहीं, हमारे पास वित्त नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो हम कोई धार्मिक गतिविधि का संचालन नहीं कर पाएंगे। और ठीक वैसे ही जो काम है, जैसे कि मनुष्य जीवन का जो सुख सुविधाएं हैं, जो प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़ हैं, विलासतापूर्ण जीवन है, अगर अर्थ नहीं है तो वो भी संभव नहीं है। तो ये दोनों जो लक्ष्य हैं मनुष्य के जीवन के, अर्थ पर निर्भर हैं। तो कितना महत्व इसका बताया है कौटिल्य ने, कि धन का कितना महत्व है, अर्थ का कितना महत्व है। और उस समय के, कौटिल्य के समय के जो अन्य चिंतक हैं, जो राजनीतिक या प्रशासनिक विचारक हैं, जिनके हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, मनुस्मृति का उदाहरण ले सकते हैं, महाभारत के शांति पर्व का उदाहरण ले सकते हैं, शुक्र नीति का उदाहरण ले सकते हैं, इस प्रकार से अन्य ग्रंथ हैं तमाम, उनमें किसी में भी अर्थ के महत्व को रेखांकित नहीं किया गया, अर्थ के महत्व को इतना नहीं बताया गया जितना कि कौटिल्य ने उसे बताया है। तो ये भी बताना यहाँ पर आवश्यक था। तो लोक प्रशासन का अध्ययन अर्थशास्त्र के अध्ययन से काफ़ी मिलता जुलता है। सार्वजनिक वित्त, बजट, बजट भी हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, वित्तीय प्रशासन, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र दोनों के लिए सामान्य रुचि के विषय हैं। हम इन्हें दोनों ही विषयों के अंतर्गत, इन टॉपिक जो सार्वजनिक वित्त, बजट, वित्तीय प्रशासन है, इनका अध्ययन करते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिस्ट्री, लोक प्रशासन और इतिहास, कैसे लोक प्रशासन
इतिहास से संबंधित है। इतिहास का लोक प्रशासन से क्या संबंध है? तो किसी भी देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से हम उसकी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। इतिहासकारों ने न केवल युद्धों, शासकों के कार्यों एवं राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया है, बल्कि उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था का भी वर्णन हमें इतिहास से ही मिलता है। उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि उस समय का प्रशासन किस प्रकार चलता था। तो प्रशासन का विवरण हमें इतिहास से ही मिलता है। इतिहास हमें बताता है कि भूतकाल में किस प्रकार प्रशासनिक समस्याएं पैदा हुई और किस प्रकार उनका निराकरण हुआ। तो वहीं से हम सीखते हैं। बिना इतिहास के, बिना हम अपना इतिहास जाने लोक प्रशासन को नहीं समझ पाएंगे। इतिहास सामाजिक विज्ञान के सबसे पुराने विषयों में से एक है और लोक प्रशासक को इतिहास से बहुत कुछ सीखना होता है। इतिहास के अध्ययन की उपेक्षा करना प्रशासनिक संस्थानों के इतिहास के विकास के अध्ययन से संबंधित ज्ञान के वास्तविक स्रोत की उपेक्षा करना है। इतिहास के अध्ययन से ही हमें पता चलता है कि अतीत में लोक प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, किस हद तक सफल या असफल थी। उदाहरण जैसे अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, ये सब आपने नाम सुने होंगे, आईने अकबरी है। तो अर्थशास्त्र की बात अभी हमने की। अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन का जो प्रशासन है, मौर्य के समय का कैसा प्रशासन था, बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया अर्थशास्त्र में, यहाँ से जानकारी हमें मिलती है। और मेगास्थनीज की इंडिका, हालांकि मेगास्थनीज ने इंडिका जैसी कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनका कोई ग्रंथ नहीं है, मेगास्थनीज के कुछ लेखन कार्य हैं, कुछ उनका लेखन है, उनको संकलित करके इंडिका का जो है प्रकाशन कराया गया है। तो इंडिका मेगास्थनीज के लेखन कार्यों का एक संकलन है जिसमें हमें मौर्यकालीन का नगर प्रशासन कैसा था ये जानकारी मिलती है। तो मौर्यकालीन में जो लोकल गवर्नेंस किस प्रकार की थी, स्पेशली जो नगर प्रशासन वहाँ का था, उसकी जानकारी हमें इंडिका से मिलती है। इसी प्रकार से 16वीं शताब्दी में आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल अकबर के ही दरबारी इतिहासकार थे, दरबार में थे, तो एक दरबारी इतिहासकार के तौर पे अकबरनामा लिखा है, उसी का तीसरा हिस्सा है, तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। यहाँ हमें अकबर के शासनकाल में वहाँ के प्रशासन का विस्तार से वर्णन इसमें मिलता है। तो इतिहास का यहाँ पर हमें महत्व समझना है कि लोक प्रशासन समझने के लिए हमें इतिहास का ज्ञान होना कितना आवश्यक है, हमें अपने इतिहास को जानना कितना आवश्यक है। लोक प्रशासन और विधि शास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, इसमें हम शुरुआत करेंगे गुडहर्ट के एक डेफिनेशन से। सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉ क्या है, कानून कहते किसे हैं। तो कानून ऐसे कोई भी नियम है जो समुदाय के अधिकांश सदस्यों द्वारा अनिवार्य रूप से माना जाता है, यानी वो अनिवार्य रूप से ऐसा कोई भी नियम बनाया जाए जो समाज के जितने समाज में लोग रहते हैं वो सभी लोग उसका पालन करें, उनके लिए पालन करना अनिवार्य है, तो उसको हम कानून कहते हैं। तो नियमों को लागू करने की शक्ति प्रशासन में निहित होती है, इससे लोक प्रशासन का विधि शास्त्र यानी कि लॉ से संबंध स्पष्ट हो जाता है। जो कानून बनाती है विधायिका, उसको लागू कौन करता है? प्रशासन ही करता है। तो बिना कानून को शामिल किए लोक प्रशासन को समझना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कानून और लोक प्रशासन भी आपस में अंतर संबंधित हैं। लोक प्रशासन को देश के कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करना होता है। यहाँ पर हमने बात की, जो कानून बनाए जाते हैं लोक प्रशासन उसे लागू करता है, लेकिन लोक प्रशासन को भी कानूनी ढांचे में ही रहकर कार्य करना होता है। ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र है स्वयं अपने निर्णय, उसे भी कानूनी ढांचे के अंतर्गत ही रह करके कार्य करना होता है। विधायिका कानून पारित करती है, प्रशासन उन्हें लागू करता है। कानून को बनाने, विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने और इसे अधिनियमित कराने में प्रशासन, यानी इन तीनों बातों में, चाहे वो कानून बनाना हो, आज प्रशासन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, कानून बनाने की बात हो उसमें भी लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और उन्हें उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करना और उसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करवाने का कार्य भी लोक प्रशासन का है। और लास्ट में जब वो कानून बन करके पूरे प्रक्रिया से, जो चरण होते हैं पास करने के, कानून को पास करने के, उससे गुजरने के बाद जब वो अधिनियम बन जाता है तो उसको लागू कराने में भी प्रशासन की ही भूमिका होती है। लोक प्रशासन और विधि शास्त्र के मध्य संबंध इतना निकट प्रतीत होता है कि कुछ देशों में लोक प्रशासन का अध्ययन विधि शास्त्र के कुछ पाठ्यक्रमों के भाग में किया जाता है। कुछ देशों में भी और अपने देश में भी कहीं कहीं लॉ फैकल्टी में आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तो और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक पेपर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून, उसकी भी अभी हम बात करेंगे, पढ़ाया जाता है। तो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम में भी हम पढ़ते हैं। दूसरा है यहाँ पर प्रत्यायोजित विधि, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन, कार्य निष्पादन जैसे कुछ विषय तो विधि शास्त्र और लोक प्रशासन दोनों विषयों के विद्यार्थियों द्वारा पढ़े जाते हैं। प्रत्यायोजित विधि, इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन,
अभी आपको हो सकता ना मालूम हो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मैं संक्षेप में आपको बताती हूँ अर्थ। इसका मतलब ये है कि जब विधायिका कोई कानून बनाती है तो समय के अभाव में उसके जो नियम है, उपनियम है, उनका जो उनकी जिम्मेदारी है वो प्रशासन पर छोड़ देती है, यानी जो कार्यपालिका है उस पर उसकी जिम्मेदारी छोड़ देती है विधायिका। तो प्रशासन उसमें उसके नियम, विनियम, उपकानून, ये सब प्रशासन तैयार करता है और ये प्रदत्त विधायन यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत आता है। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, प्रत्यायोजित, प्रत्यायोजन का मतलब है किसी दूसरे को कार्य सौंपना अधिकार के साथ, कुछ कार्य को अधिकार के साथ दूसरे को सौंपना। तो विधायिका अपने कुछ कार्यों को जो नियम, विनियम, उपनियम होते हैं प्रशासन को सौंप देती है और ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत आता है। तो प्रशासन का यहाँ पर भी कानून बनाने में एक रोल है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जैसे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 323A जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था, हालांकि मूल संविधान में नहीं था, तो इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, CAT नाम से हम इसको पढ़ते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो जो प्रशासनिक शिकायतें होती हैं, जो कर्मचारियों के विरुद्ध जो प्रशासनिक मामले होते हैं, वो सामान्य रूप से न्यायालय में न ला करके इन ट्राइब्यूनल में ऐसे केस वहाँ पे चलाए जाते हैं। और इन ट्राइब्यूनल के जो सदस्य होते हैं वो आधे सदस्य न्यायिक होते हैं और आधे प्रशासनिक सदस्य होते हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं के होते हैं। तो इस प्रकार से ट्राइब्यूनल की भी बात हो गई, यहाँ भी प्रशासन शामिल हो गया कानून में, यानी न्याय प्रदान करने में भी प्रशासन की भूमिका यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लोक प्रशासन विषय का अध्ययन यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों में अभी भी कानून के एक भाग के रूप में किया जाता है। फ्रांस जैसे देशों में कानूनों का एक अलग सेट है जिसे प्रशासनिक कानून कहा जाता है, जो लोक सेवकों और सरकारी संगठनों से संबंधित है। जब आप फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पर मिलेगा कि वहाँ दो प्रकार के न्यायालय हैं, पहला है सामान्य न्यायालय, दूसरा है प्रशासनिक न्यायालय। तो प्रशासनिक कानून वहाँ अलग है और सामान्य कानून अलग। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हालांकि ट्राइब्यूनल है, लेकिन स्पष्ट रूप से एक कोई सीमा रेखा नहीं है कि प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना अलग की जाए। जब फ्रांस का पढ़ेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। वुड्रो विल्सन, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा थी वुड्रो विल्सन की, जो कि आप जब लोक प्रशासन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें वुड्रो विल्सन ने कहा है, लोक प्रशासन कानून का विस्तृत और व्यवस्थित अनुप्रयोग है, कानून का प्रत्येक विशेष अनुप्रयोग प्रशासन का एक कार्य है। लोक प्रशासन की जो परिभाषा वुड्रो विल्सन ने बताई है वो कानून का ही एक व्यवस्थित और विस्तृत अनुप्रयोग बताया है लोक प्रशासन। तो कानून से भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है लोक प्रशासन का। जब सरकार के विधायी विंग द्वारा पारित कानून को क्रियान्वित किया जाता है तो इसमें लोक प्रशासन मुख्य रूप से शामिल होता है। बहुत से कानून लोक प्रशासकों के अनुभवों को ध्यान में रखकर बनाए और संशोधित किए जाते हैं। कुछ ऐसे कानून होते हैं जो बनाने से पहले जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी राय ली जाती है, उनके अनुभव उनसे पूछे जाते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, इम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कानून बना दिए जाते हैं, जब उन्हें प्रशासन लागू करता है तो उनके समक्ष कोई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनमें संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर भी प्रशासन की भूमिका कानून में शामिल हो जाती है। प्रशासक न केवल कानून लागू करते हैं बल्कि कभी कभी कानून बनाते भी हैं, कानून बनाने में मदद भी करते हैं। जैसे हम ऊपर भी बात कर चुके हैं इससे पहले, प्रदत्त विधायन यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का भी हम उदाहरण दे चुके हैं, तो इनमें सब में प्रशासन की भूमिका शामिल होती है। तो इन विषयों को आज हमने जाना, इनमें कैसे इन विषयों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान से हालांकि लोक प्रशासन अलग हुआ था, लगभग एक शताब्दी हो चुकी है जो कि इस विषय को अलग पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन पूरी तरीके से हम किसी भी विषय को स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं पढ़ सकते, हमें एक दूसरे विषय पर आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो आज इस अपनी ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हमने चर्चा की लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इसमें हमने कुछ विषय शामिल किए, सभी विषयों की आज हमने बात नहीं की है, हालांकि और भी कुछ विषय हैं जो प्रमुख विषय थे उन पर हमने बात की। सबसे महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से संबंध, उसके बाद हमने यहाँ पर जाना लोक प्रशासन का समाजशास्त्र से संबंध और लोक प्रशासन का इतिहास से संबंध, अर्थशास्त्र से किस प्रकार वो संबंधित है। इसके अतिरिक्त हमने जाना कि लोक प्रशासन किस तरीके से लॉ से संबंधित है, यानी कि विधि शास्त्र से क्या संबंध है। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से
यहाँ पर बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारा पिछला लेक्चर भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।